कैसे हैं आप तक? आई होप आप लोग अच्छी होंगी और प्यार से होंगी अपने घर पे। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि आज टीचर्स डे है और हमारे बच्चे ने, मतलब हमारे क्लास के जो दूसरे वाले ब्रांच है, हमारी दूसरी ब्रांच, ये तो जाने तो ये स्टूडियो जो भी है अब वो एलएस डांस अकेडमी है ना? सही बता रही हूँ? सही बता। तो ठीक है, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बच्चों ने क्या तैयारी की है हमारे लिए और सर के लिए भी। तो गाइस, आप बता सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। आप मेरा फाइनल लुक अभी देखने को मिलेगा आपको। मेरी गर्ल्स ने बोला था, मतलब मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं लड़कियाँ, उन्होंने बोला था कि आप कुछ इंडियन ड्रेस पहन के आना। तो मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं यही पहन ली हूँ। आप दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ठीक है, आइए पूरा लीजिए। तो गाइस, हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं ना? यस। आपने कुछ अलग पहना है आज, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और आप अलग नहीं पहनते इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। ठीक है, तो चले चलते हैं फिर। सो फाइनली गाइस, हम क्लास के बाहर आ चुके हैं और अब अंदर जाने की तैयारी हो रही है, जो कि हम लोग जा रहे हैं। बच्चों ने एकदम अंधेरा कर रखा था और बहुत अच्छा सरप्राइज़ था इन लोग का, मतलब बहुत अच्छा लगा। सो आप देख ही सकते हो, और ये गर्ल्स हैं जो कि हम लोग का स्वागत के लिए खड़ी हैं। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स, बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हो फिर ये पूरा आरती उतारती हैं, फिर मेरे क्राउन बहुत अच्छा लगा, तो मैं क्या ही बोलूं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइट ऑफ करो, ऑन करो, जो भी, फिर उसके बाद हम लोग का एंट्री करवाएंगे ये लोग अच्छे से। अभी तो मैं बैग को लेकर परेशान हूँ, रख दूँ या ले लूँ, शो ऑफ करना है ना, थोड़ा सा लुक भी तो दिखाना है मुझे। तो उसके बाद तो हम लोग का ये क्या हो रहा है भाई, देखो भाई आप देखते रहो क्या क्या होता है ना गाइस। देखो मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी गाना बजता है तो मेरे डांस निकल ही जाता है, और बहुत अच्छा लगा। इन लोग ने हम लोग का स्वागत बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरा अरेंज इन लोगों ने सोच के रखा था, मतलब कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो मतलब पूरी तैयारी के साथ इन्होंने किया। मतलब आरती उतारा, क्राउन पहनाया, सो मिठाई खिलाया, फूल की वर्षा कराया, मतलब सब चीज़ कराया लोगों ने, अच्छा लगा। तो उसके बाद रिबन भी कट कराना था, मतलब अंदर प्रवेश करना है हमको। और ये देखिए क्या हो रहा है, कैची मार रही हूँ मैं उनको। फिर उसके बाद हम बाहर खड़े हैं, अभी अभी डिसाइड हो रहा है कि आप मिल के काटना, कैसे काटना, मतलब कट नहीं हो रहा ना सही से, कट किया गया। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आने की, मतलब हाय हेलो होना ज़रूरी है ना, तो आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। तो देखिए, मेरा तो हमेशा का है हंसना, दांत फाड़ना। देखो अंदर आने के बाद आरती उतारी गई है, और अभी ये बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे उतारो। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, सही है। फिर देखो फूल की वर्षा, वो माय गॉड, मतलब गुलाब का फूल। तो उसके बाद देख ही सकते हो आप, सारी चीज़ें होती जा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इन लोगों ने जो भी किया हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा, और इन लोग के लिए हम लोग को भी करना ज़रूरी है। अब चिल्ड्रन डे आएगा तो हम लोग कुछ करेंगे अच्छा, प्रयास तो यही रहेगा। और हेलो गाइज, हेलो, ये नज़र आ रही हूँ मैं, हेलो हेलो हेलो। सो फाइनली गाइज, वो घड़ी आ चुकी है केक कट करने की, और डिसाइड ये हो रहा है कि केक कैसे काटना है। मतलब दो दो हथियार होना चाहिए, मतलब अब हम लोगों ने एक साथ रिबन कट किया, सो हम केक भी एक साथ कट कर सकते हैं ना। वो तो हमेशा का है ये। और उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया, सो आप लोग बोलो हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। तो हम लोगों ने केक कट किया, उसके बाद हम लोगों ने सबको खिलाया केक, और बहुत अच्छा लगा, केक भी बहुत बढ़िया था। और आप देखो और इन्जॉय करो। ये देखिए ये क्या हो गया, मतलब इनके ऊपर ऐसे कर दिया किसी ने, मतलब बात बड़ी हो जाएगी फिर तो। तो मैंने केक कट करके फिर बच्चों को खिलाना स्टार्ट किया, सो आप देख सकते हो। और ये तो अपना टी शर्ट ही सही कर रहे हैं सर, इनका काम ही है ये। मैंने पहले इनको खिलाया केक, देखो कितनी सही हूँ मैं, इनको केक खिलाया पहले,
फिर बच्चों को खिलाया, गर्ल्स को खिलाया, सो यही हुआ। उसके बाद बहुत मज़ा आया। वॉइस म्यूट है भाई, तो गाना इन्होंने प्ले कर रखा था इसलिए मैंने वॉइस सबकी सुनाई नहीं। बस अब मेरी वॉइस को एडजस्ट करो, क्या कर सकती हूँ मैं। गाना लगा रखा था ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो आप लोग को क्या दिक्कत नहीं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी लेकिन मेरे को दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए फिर सर ने मुझे केक खिलाया। सो आप देखो और इन्जॉय करो, ठीक है। फिर इन्होंने भी बच्चों को केक खिलाया मेरी कॉपी करके। हाँ तो गाइस, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा, तो मैंने भी बताया बहुत अच्छा लगा और बहुत शानदार था, और इतना प्यारा मतलब सरप्राइज़ इन लोगों ने दिया मेहनत करके, सो थैंक यू सो मच। ये मेरा क्राउन हमेशा गिरता जा रहा है, मतलब से हाय। देखो यहाँ पे केक खिलाया जा रहा है, गले लगा जा रहा है, सब चीज़ें होती जा रही हैं, फ़ोटो शूट होता जा रहा है। यहाँ पे मैं गर्ल्स को लेके थैंक्स उन लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोगों ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कितनी बार मैं बोलूँगी थैंक यू यार। यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है, डांस भी ज़रूरी था, और फिर मस्ती किया हम लोगों ने, बहुत सेलिब्रेट किया ऐसे प्यार से। तो उसके बाद